सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट स्किल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। मैं नीतीश कुंवर स्वागत करता हूं आप सभी का माई स्मार्ट स्किल्स चैनल पे। मित्रों नमस्कार, मित्रों मेरा नाम है नीतीश कुंवर और आप देख रहे हैं माई स्मार्ट स्किल्स यूट्यूब चैनल। मित्रों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक डिवाइस के बारे में बताऊंगा। हो सकता है आपने इस डिवाइस को यूज किया हो, बट इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ऐसा यूज आपने कभी नहीं किया होगा। क्या है वो डिवाइस? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। देखिए यह एक इलेक्ट्रिक ब्लोअर है। इसको आप ब्लोइंग के लिए, हवा थ्रो करने के लिए, फेंकने के लिए हवा यूज करते होंगे। मैं 100% जानता हूं आप लोग जरूर यूज किए होंगे, बट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा कुछ बताऊंगा कि यही ब्लोअर आपको वैक्यूम क्लीनिंग का काम करेगा। आपके घर में वैक्यूम क्लीनिंग, आपके कार को साफ करने में, आपके घर में गंदगी वाले जगह को साफ करने में वैक्यूम क्रिएट करेगा और वैक्यूम क्लीनिंग करेगा बिना किसी एडिशनल डिवाइस को। ये एक पार्टिकुलर खुद में ही एक वैक्यूम क्लीनिंग का काम करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये डिवाइस मात्र 500 से 600 रुपए में आ जाता है मार्केट में। मिनिमम एक वैक्यूम क्लीनर 7 से 8 हजार रुपए में आता है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, आप वहां से इसको परचेज भी कर सकते हैं और आप अपने घर को क्लीन कर सकते हैं, अपने कार को क्लीन कर सकते हैं इजिली। देखिए इसमें जरूरत पड़ेगी ऐसे फिल्टर की। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये आया है फिल्टर मार्केट में। पहले भी था लेकिन ज्यादा यूज नहीं हुआ होता था, महंगा पड़ता है, लेकिन प्लास्टिक को हटाने के बाद इसका यूज होने लगा है काफी बड़े पैमाने पे। आपको घर में इजिली मिल जाएगा। ये कैरी बैग है जो कपड़े टाइप का होता है, इससे हवा पास हो सकती, हवा निकल जाएगा बट डस्ट कचरा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है कि इसको, ये जो इसमें अटैचमेंट है देख लीजिए आप लोग, ये जो अटैचमेंट है इसको ऐसे घुमाइएगा और ये बाहर निकल जाता है। देखिए ये अटैचमेंट बाहर निकल जाता है। अब इस अटैचमेंट को, इसमें दो जगह, दो ऑप्शन है, एक यहां से हवा खींचने का और यहां से हवा फेंकने का। जब ये अटैचमेंट हम यहां लगाते हैं और मशीन को ऑन करते हैं, ये हवा थ्रो करता है, और इसी अटैचमेंट को जब हम यहां लगा देंगे, ये यहां से खींचता है, तो ये अटैचमेंट यहां हम लगा देंगे और जो ये नेट है, इस नेट को हम लोग, इसके हवा अब यहां से फेंकेगा। यहां पे हम लोग इस फिल्टर को यहां हम ऐसे बांध देंगे तो जो भी कचरा होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। चलिए अब इसका यूज दिखाते हैं आपको। मैं अपना कार क्लीन करके आपको दिखाता हूं और कैसे इसमें कचरा स्टोर होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैं दिखा देता हूँ कि इसमें से निकालने के बाद ये जो मैंने इसका फिल्टर, घरेलू फिल्टर जो लगाया था, देखिए ये सब कचरा, देखिए मेरे वो आपको दिखाई दे रहा है कि कार में जो डैशबोर्ड में ना मैंने ये रखा था अपना हाइब्रिड सिम निकालने वाला मोबाइल का, उसको भी ये खींच के इसके अंदर लाया है। तो
कुछ और भी जो भी मोटा कचरा है इसके अंदर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, घंटी ज़रूर बजाएं इस तरीके के टेक्निकल वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। अब इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।